नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी आप सभी का वाह जिंदगी के इस नए एपिसोड में स्वागत करती हूँ। हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी है धूप जिंदगी, कभी है छांव, जीते हैं जिंदगी के हर एक दांव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी। हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। दक्षिण भारत के चेन्नई से करीब 60 किलोमीटर दूर एक विश्व विख्यात पर्यटक स्थल है महाबलीपुरम, जो समुद्र के किनारे बसा है। महाबलीपुरम न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बल्कि अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। और इसी महाबलीपुरम में स्थापित है एक ऐसा स्कूल जो गुरुकुल की तरह आध्यात्मिक परिवेश में बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा प्रदान कर रहा है, और इसका नाम है गुरु श्री शांति विजय जैन गुरुकुल। श्री महावीर जैन कल्याण संघ पिछले 55 सालों से कॉलेज स्कूलों की स्थापना कर शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। संघ की स्वर्ण जयंती पूर्ण होने पर इस नायाब गुरुकुल की स्थापना की गई। इस स्कूल का उद्घाटन 3 अगस्त 2016 को पद्म भूषण श्री वीरेंद्र हेगड़े जी के हाथों हुआ। हेलो, दिस इज पद्मावती सत्यनादन, प्रिंसिपल ऑफ गुरुश्री शांति विजय जैन गुरुकुल इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल। आई फील सो प्रिविलेज्ड टू लीड सच एन एनर्जेटिक एंड वाइब्रेंट स्कूल विच ऑफर्स लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू द यंग स्टूडेंट्स। It is our goal to make each and every student to succeed. At GSS Jain Gurukul, we believe that the highest function of education is to bring about an integrated individual who is capable of dealing with life as an individual. We teach our students not only academics and sports activities, but also spiritual activities and life skills. I feel so proud to be a part of such an institution which is shaping the future citizen. हमारी संस्था श्री महावीर जैन कल्याण संघ का उद्देश्य यह रहा कि बच्चों में आधुनिक शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा और ऐसे गुण भरे जिससे कि बच्चे हमारे राष्ट्र के लिए नहीं सारे विश्व के लिए बहुत उपयोगी बने। उनके माँ बाप बहुत अपने को गर्व महसूस करे कि हमारा बच्चा बहुत कामयाब हुआ। किसी भी देश के विकास के लिए शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। उच्च स्तरीय शिक्षा देने के लिए गुरु श्री शांति विजय जैन गुरुकुल एक नायाब उदाहरण है, जो कि एक बोर्डिंग और डे स्कूल है। श्री महावीर जैन कल्याण ट्रस्ट द्वारा स्थापित यह स्कूल आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के साथ ही प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा से भी प्रेरित है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए करीब 18 एकड़ के इस कैंपस में हर प्रकार की सुविधाएं हैं। इस गुरुकुल में स्थानीय बच्चों के लिए नर्सरी से ही कक्षा शुरू हो जाती है। हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाले बच्चों के लिए कक्षा 3 से 10 तक पढ़ाई होती है। अति शीघ्र गुरुकुल में 12 तक की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। पहले ये कैम्ब्रिज से जुड़ा था,
और अब इसे CBSE द्वारा मान्यता मिल गई है। लौकिक अत्याधुनिक शिक्षा के साथ ही बच्चों को जैन जीवन शैली और दिनचर्या पालन करने की शिक्षा दी जाती है। यहाँ का प्रत्येक क्लासरूम अष्टकोणीय बनाया गया है, जिससे न केवल प्रचुर मात्रा में हवा और रोशनी का प्रवेश होता है, बल्कि वास्तु के अनुसार बच्चों पर अनुकूल प्रभाव भी पड़ता है। प्रत्येक क्लासरूम में बच्चों की संख्या 15 से 20 ही रखी जाती है, जिससे शिक्षक हर छात्र पर संतुलित ढंग से ध्यान दे सकें। यहाँ के हॉस्टल्स बंगलो रूप में निर्मित किए गए हैं, जहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। हर परिसर में शिक्षक भी साथ रहते हैं, जिससे बच्चों में अनुशासन बना रहता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास में खेलकूद की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ एक विशाल खेल का मैदान है, जहाँ बच्चे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस आदि खेल खेलते हैं। मैदान के साथ स्विमिंग पूल भी है। छोटे बच्चों के लिए एक प्लेग्राउंड भी है, जहाँ कई प्रकार के खेलकूद के सामान हैं। एक लर्नर स्कूल भी है। यहाँ एक विशाल लाइब्रेरी भी है, जहाँ प्राचीन और आधुनिक दोनों प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हैं, जो बच्चों को मानसिक रूप से समृद्ध बनाती हैं। यहाँ की आधुनिक प्रयोगशाला और साइंस लर्निंग सेंटर से भविष्य के वैज्ञानिकों का निर्माण होता है। बच्चों में कला के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट सेक्शन है। कई भाषाओं में पारंगत करने के लिए ICT लैंग्वेज रूम है। संगीत की शिक्षा भी यहां दी जाती है। विद्यालय के विशाल ऑडिटोरियम में शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों के चरित्र निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ऑडिटोरियम की दीवार पर एक समवशरण भी रचा गया है, जिससे जैन धर्म के सिद्धांतों का बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। अनवरत रूप से परिसर को प्राकृतिक रूप से बिजली मिलती रहे, इसके लिए सोलर पावर प्लांट भी लगाया गया है। विद्यालय स्वयं को और बच्चों को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए सदैव प्रयास करता रहता है। बच्चों को ऑर्गेनिक सब्जी मिले, इसके लिए विशाल भूखंड पर खेती की जाती है। परिसर में अत्याधुनिक गौशाला भी है, जिससे बच्चों को शुद्ध दूध, घी, मक्खन, दही भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।
विद्यालय में भोजन हेतु विशाल डाइनिंग हॉल है। यहाँ एक साथ 500 बच्चे और शिक्षक भोजन कर सकते हैं। यहाँ पौष्टिक जैन भोजन परोसा जाता है। किचन में भोजन भी अत्याधुनिक मशीनों द्वारा काफी स्वच्छ तरीके से बनता है। बच्चों में प्रकृति के प्रति प्रेम और दायित्व के भाव को जागृत करने के लिए स्कूल प्राकृतिक रूप से हरियाली से भरा है, जिससे बच्चों में इस बात का ध्यान रहे कि मानव जीवन और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे विचार जब छात्रों में होंगे तो वो स्वाभाविक रूप से अहिंसा और परोपकार के मार्ग पर चलेंगे। यही जैन धर्म का सार भी है और इस स्कूल का उद्देश्य भी। सेवा परमो धर्म की भावना, जैन धर्म के आधार आदि कार्यकलापों के माध्यम से स्कूल बच्चों के नैतिक और चारित्रिक निर्माण कार्य में लगा हुआ है। इसी कारण स्कूल की सुबह की प्रार्थना सरस्वती वंदना, नमोकार मंत्र और कृष्ण भजन से होती है। यहाँ हर समुदाय को मानने वाले छात्र पढ़ने आते हैं। आवासीय स्कूल के साथ साथ इस स्कूल में पढ़ने के लिए आसपास के क्षेत्रों से भी काफी छात्र छात्राएं पढ़ने आती हैं, जिनके लिए अत्याधुनिक बसों की सुविधा है। स्कूल परिसर में एक मंदिर भी है, जिससे बच्चों में रोजाना देव दर्शन करने की परंपरा जागृत होती है। यहाँ के छात्रों को इस बात का आभास दिलाया जाता है कि उनका जन्म विश्व गुरु महान भारत में हुआ है और जैन जीवन दर्शन के माध्यम से वो अपने देश भारत को पहचाने। आधुनिक शिक्षा और बेहतर सुविधाएं देने के साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि स्कूल की फीस काफी वाजिब हो, जिससे हर तबके के बच्चे इस स्कूल में दाखिला ले सकें। यही कारण है कि तमिलनाडु के अलावा भी अन्य राज्यों के बच्चे यहाँ रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। I love my school and teachers. We have many, many activities in our school. Our school teachers have been helping us learn our concepts with different ways and innovative ideas. Our school has internal club activities. It includes literary club, eco club, Cal Cafe, innovation and rhythm on beat. Our school is a huge eco-friendly campus and we love our school very much. We live in a pollution-free environment in this campus. Here, our focus is not only in academics, but other club activities like swimming, karate, chess, silambam, etc. Our teachers here are so friendly and help us overcome any difficulties we face. I feel so proud to be a student of Guru Sri Shanti Vijay Jain Gurukul. Finally, I would like to thank the management, our principal and our teachers who help us to overcome any difficulties we face. गुरुकुल बनाने का एक ही मुख्य लक्ष्य था कि शहरों में पढ़ने के अलावा खेलने के लिए और आदि स्किल्स डेवलप करने के लिए इतनी व्यवस्था नहीं रहती, तो बच्चों को अलग अलग जगह ट्रेनिंग के लिए भेजना पड़ता है। तो क्यों ना हम गुरुकुल ऐसी जगह बनाएं जहाँ सिर्फ पढ़ाई और ऐसे स्किल ट्रेनिंग दी जाए और वहाँ कोई तरह का डाइवर्शन ऑफ माइंड नहीं हो, वहाँ जहाँ शांति हो, जहाँ एकदम सुखद जीवन हो, जहाँ सात्विक भोजन हो, जहाँ प्रकृति का पूरा अनुभव ले सके। तो हमने इस जगह को ऐसे चूज किया जहाँ 20 एकड़ प्रांगण में प्राकृतिक सौंदर्य के साथ सारी फैसिलिटीज़, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, साधना के लिए, सभी तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ हमने हासिल करवाई है। तो हमारा ये लक्ष्य है कि मुख्यतः हमारे जैन समाज के बच्चे जितना इसका लाभ उठा सकते हो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्था ने यहाँ पर बहुत नॉमिनल फीस रखी है। खर्चा बहुत ज़्यादा है लेकिन फीस कम रखी है, ताकि हर वर्ग के बच्चे यहाँ पढ़ करके तैयार हो सकते हैं। बच्चों में माँ बाप के प्रति, बड़ों के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक आदर बने और उनके अंदर ऐसी संस्कार बने, धार्मिक संस्कार के साथ नैतिक संस्कार की स्थापना हो। मुख्यतः हमारे जैन समाज के बच्चे इसमें तैयार होंगे और हमारे जैन संस्कारों के साथ जैन धर्म को, जैन
अपने कल्चर को पूरे विश्व में फैलाएंगे और उपयोगी बनेंगे, राष्ट्र के काम आएंगे और हमारे भारत के प्राचीन संस्कृति को भी उजागर करेंगे। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की तरफ से मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप सब हमारे प्रांगण में आए हैं और आप रूबरू सब जो भी चीज़ें, जो भी यहाँ पर व्यवस्था है, उनको पूरा ध्यान दें, डायरेक्शन करें। फिर आपको पता लगेगा कि आपके बच्चों के लिए ये जो व्यवस्था है, जो गुरुकुल है, कितना अद्भुत और उपयोगी बनेगा। प्राचीन आध्यात्मिक और आधुनिकता के मेल बंधन से गुरु श्री शांति विजयन जैन गुरुकुल प्रकृति की गोद में मानव निर्माण और राष्ट्र निर्माण में अपनी अग्रिम भूमिका निभा रहा है। आइए एक बार इस गुरुकुल का भ्रमण करें। आप भी सात्विक, आध्यात्मिक और आधुनिक जीवन शैली के साथ जैन संस्कृति को जानें और अपने बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में अवश्य कराएं, जिससे उनकी जिंदगी बन जाए वाह जिंदगी। दोस्तों, हमारा आज का ये एपिसोड यहीं तक। हमें दिए गए नंबर पर संपर्क करके जरूर बताएं कि आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है। जाते जाते मैं बस इतना ही कहूंगी कि अपनी सेहत का, अपने परिवार की सेहत का जरूर ख्याल रखिएगा। कोरोना से लड़ाई अभी थोड़ी सी बाकी है। जय जिनेंद्र।